वेलकम टू माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। फ्रेंड्स, आज हम टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की दिसंबर फर्स्ट वीक की रीडिंग करेंगे। जर्नल, इट्स अ जर्नल रीडिंग फॉर ऑल, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। टॉरस, आपके लिए सबसे पहले हमारे पास किंग्स ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है कि अगर आप पहले किसी जॉब को चेंज करने की सोच रहे थे, या आप किसी बिजनेस को, बिजनेस में कुछ और प्रोग्रेस करने की सोच रहे थे, तो आप वो कर सकते हैं। आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और इस वक्त आप बिल्कुल तैयार हैं। तो अपनी चीज़ों को आगे आप पॉजिटिव वे में सोचते हुए अच्छी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ये समय है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नई जॉब करें या नया बिज़नेस करें, तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और बस अब आपको चाहिए कि आप अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लें कि अगर आपको कोई जॉब चेंज करनी है, या जॉब में आपके पहले स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी तो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो उस टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आया है थ्री ऑफ स्वर्ड का कार्ड। थ्री ऑफ स्वर्ड जो है ये रिवर्स में आया था, तो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर पहले कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई थर्ड पार्टी, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई थर्ड पार्टी से आपको कोई प्रॉब्लम थी, या किसी और तरह की, किसी भी बॉस के साथ आपकी कुछ बन नहीं रही थी, या आपकी किसी कलीग से बन नहीं रही थी, तो अब वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया था। तो अब वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और आपका प्रोफेशनल लाइफ में जो भी किसी से भी रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो आगे चलकर अब सही होने की पूरी संभावना है। उसके बाद आपके पास पर्सनल लाइफ में हमारे पास आया है सेलिब्रेशन का कार्ड। सेलिब्रेशन का कार्ड ये कहता है कि आप किसी भी तरह के सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी मैरिज में जाएं, पार्टी में जाएं, या फिर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है आपके होम में, या फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय करें, तो आपके लिए अच्छा कार्ड है। तो दिसंबर फर्स्ट वीक में सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ को, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, होम में हैं जो भी, उनके साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। या आपकी किसी पर्सनल लाइफ में पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी कुछ बन नहीं रही थी किसी के साथ, या कुछ भी इस तरह की थी, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसके बाद आपको सेलिब्रेट करने का उनके साथ मौका मिले, अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी हो सकता है आपकी मैरिज का सेलिब्रेशन हो, तो ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ कप आया उसके बाद आपके पास। एस ऑफ कप हमारे पास जो ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यदि अगर आप सिंगल हैं, किसी को, पार्टनर को देख रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, और यदि आप अपनी चीज़ के लिए फाइट करेंगे तो नेचुरल है कि आपकी जीत होगी। उसके बाद हमारे पास आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये यूनिवर्स की तरफ से सजेशन है, तो यदि आप अच्छे से अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हुए फाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो उसके बाद आपके पास ये टेन ऑफ पेंटिकल्स आ सकता है। नया घर हो सकता है, मैरिज हो सकती है, क्योंकि इसमें दो कपल भी दिख रहे हैं, डॉग्स हैं, डॉग्स लॉयल्टी का भी सिंबल माना जाता है, तो जो भी कपल होंगे वो एक दूसरे के लिए लॉयल होंगे, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। तो अभी हम देखते हैं वर्गो। वर्गो, देखिए, मेरे पास टावर का कार्ड आया है। टावर ये कहता है कि यदि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में
पहले कुछ अच्छा नहीं चल रहा था आपके जॉब में या बिजनेस में या कोई भी आपका जो वर्क था, प्रोफेशन का वर्क था जो भी, तो उसमें कुछ भी जो परेशानी थी अब वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास टावर का कार्ड आया है। तो टावर ये कहता है कि आपकी जो भी पुरानी चीज़ें थी वो बदल कर दोबारा शुरू की जाएंगी, तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और कुछ चीज़ें मतलब पॉजिटिव वे में होने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद आपके पास आया है, हमारे पास आया है पेज ऑफ कप का कार्ड। पेज ऑफ कप ये कहता है कि आपके पास सब कुछ है, बस थोड़ी सी आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को मैच्योरिटी से लीजिए और अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से देखना शुरू कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में मैच्योरिटी के साथ, तो जीत निश्चित आपकी होने वाली है। उसके बाद मेरे पास पर्सनल लाइफ में आपके लिए पर्सनल लाइफ में 10 of Wands का कार्ड आया है। 10 of Wands ये कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है पर्सनल लाइफ को लेके, तो प्लीज़ आप पर्सनल लाइफ को लेके इतना स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोच विचार में है, किसी में, किसी प्रॉब्लम में है, किसी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस बर्डन के नीचे दबा दिया गया है, पूरा जो उसका बर्डन है वो आपके ऊपर आ गया है। तो प्लीज़ आप थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर आइए और चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मेरे पास आपके लिए आया है 9 of Wands का। देखिए 9 of Wands ये कहता है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप जो हैं, आपके पास जो भी है आप उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा फियर में हैं। कई बार हम जो हमारे पास चीज़ होती है हम उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आप कुछ ज़्यादा सोचिए मत, जो आपकी चीज़ है वो आपकी ही रहेगी। जो भी पर्सन है आप उनसे बात कीजिए, खुल के चीज़ों को डिस्कस कीजिए कि आप, और ये आप पता कीजिए कि आपके अंदर ऐसा क्या फियर चल रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में लीजिए और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके पास ही रहेंगी, तो इस बात की चिंता ना कीजिए। वर्गो लगता है कि आप पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज़ आप नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहें, बाहर रहें, थोड़ा लाइफ को इन्जॉय करें। उसके बाद आप यूनिवर्स की तरफ से मेरे पास सजेशन जो आया वो आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके पास सब कुछ आ सकता है यदि आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो। तो प्लीज़ दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये यूनिवर्स की तरफ से सजेशन दिया जा रहा है कि आप जो है एक पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कीजिए, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। फुल ऑफ अबंडेंस का कार्ड है, बस थोड़ा सा चीज़ों को लेके बैलेंस में आपको आने की ज़रूरत है और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे आपकी रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादातर, तो प्लीज़ आप स्ट्रेस से कम आउट कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा अपने सेल्फ लव में जाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए अपने आप को, कूल एंड काम रहिए थोड़ा। उसके बाद आपके पास यूनिवर्स की तरफ से किंग ऑफ कप्स आएगा। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मेरे पास प्रोफेशनल लाइफ में आपके आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके पास फुल ऑफ अबंडेंस है और बस आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि आपको थोड़ा सा ईगो में नहीं रहना है, थोड़ा प्राउड में नहीं रहना है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। फुल अबंडेंस है, आपके पास सब कुछ है, आपकी जॉब भी अच्छी चल रही है, आपका बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ करेगा, तो बस आपको थोड़ा ईगो में नहीं रहना है, अपना थोड़ा ग्राउंड में ग्राउंडेड रहिए और थोड़ा ग्रैटिट्यूड में रहिए बस। उसके बाद आपके पास सेकंड जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में जॉब में आप स्ट्रगल करेंगे, अपनी चीज़ों के लिए फाइट करेंगे, तो निश्चय ही
यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में रहेगा और आपकी जीत होगी। तो मेरे पास कैप्रिकॉर्न पर्सनल लाइफ में आपके आपके लिए आया है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड ये कहता है कि आप फुल ऑफ अबंडेंस में हैं और एक रानियों की तरह आप बस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप को इंजॉय करना चाहते हैं और कूल है, काम है, आपके पास फुल ऑफ अबंडेंस है और बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। आपकी पर्सनल जो लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, कुछ पॉजिटिविटी के साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएगी और आपको आपकी जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे या जैसा भी था, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मेरे पास दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी या आप उस पर्सन से मिल नहीं पा रहे थे, आपकी कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी, कोई भी मैटर आपका था जो कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है जो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो अब हो सकता है कि पहले आप तैयार ना हो या दूसरा पर्सन तैयार ना हो, तो लेकिन अब आप मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर पूरी तरह से आप तैयार हैं उन चीज़ों से और उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने के लिए, मिलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और जो भी प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि आप तैयार हैं बट बस आपको यही सजेशन दे रहा है यूनिवर्स कि अगर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम थी, अगर आप मेंटली तैयार हैं तो बस आप अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाएं, क्योंकि ये बस आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि आपको किसी भी नेगेटिविटी में ना रहें और बहुत ज़्यादा सोचें नहीं और अपने आप को मूव ऑन करें और जो भी डिस्कशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को जल्दी से सॉल्व करें, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो आप अगर अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करेंगे, मूव ऑन करेंगे तो जीत जो है वो निश्चय ही आपकी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की दिसंबर फर्स्ट वीक की जर्नल रीडर। तो फ्रेंड्स, बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सजेशन देंगे। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल। कीप स्माइल, स्टे फिट एंड ऑलवेज सेव वाटर प्लीज़। थैंक यू।